ऑगी एंड द कॉकरोचेस हम सबका फेवरेट शो में से एक। क्या दिन थे वो जब हम सब स्कूल से आने के बाद टीवी पे शो देखने बैठ जाते थे। एंड आज मैं इसी प्यारे शो को 3D में बनाने वाला हूँ। हाँ, ऑगी एंड द कॉकरोचेस 3D। तो जैसे कि तुम सबको पता ही है कि मैं मेरी गेम की शुरुआत उसके कैरेक्टर से करता हूँ। एंड कैरेक्टर के लिए मैं गया स्केच पैप पे, जो मुझे हमेशा अच्छे कैरेक्टर देता है उसे बहुत पीटने के बाद। चलो देखते हैं स्केच पैप पे हमारे लिए क्या है। एक सेकंड, ये सपना तो नहीं देख रहा मैं? या आई थिंक मैं सपना ही देख रहा हूँ। वॉट, क्या रहा है स्केच पैप? तू तो अच्छा निकला यार। ठीक है, अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड का बटन किधर है? एक सेकंड, यहाँ भी नहीं है। यहाँ तो होगा, यहाँ भी नहीं। अबे साले, अगर तुझे डाउनलोड का बटन ही नहीं देना था तो मॉडल क्यों रखी अपनी वेबसाइट पे? अब हमें ये मॉडल बनाने होंगे। तो मैंने मॉडल बनाना शुरू कर दिया, जो सच कहूँ तो इतना भी हार्ड नहीं था। नहीं, ये ऑगी का मॉडल बहुत इजीली बन गया, जो एंड में कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब हमें उसको टेक्सचर्स देने होंगे, एंड वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये टैब दिख रहा है टेक्सचर पेंट का? हाँ, मुझे यहीं जाना है। एंड फिर मैं यहाँ अपने मॉडल को डिटेलिंग दे सकता हूँ। ये कुछ नहीं है, बस जैसा तुम तो अपनी बुक में घटिया ड्राइंग करते हो, वैसे तुम यहाँ अपने मॉडल पे घटिया ड्राइंग बना सकते हो। ओके ठीक है, मजाक बहुत हो गया। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने मॉडल्स को डिटेल्स दे दिए। क्या रे, ज़्यादा मस्ती आ रही है। अब ठीक है। तो मॉडल रेडी है, एंड अब हमें इसे एनिमेट करना होगा। एंड मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे एनिमेशन लग गए, टू बी एग्जैक्ट इतने सारे। वो क्यों मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब कॉकरोचेस को मारने के लिए तुम्हें वेपन्स तो चाहिए होंगे, तो मैंने मेरे वेपन सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया। एंड याद है मेरी FPS गेम जिसमें पहले काम कर रहा था? हाँ, मैंने वही गेम का वेपन सिस्टम को ये गेम में भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया, बट वो काम नहीं करा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है एंड वो फर्स्ट पर्सन में थी, इसलिए बहुत सारे बग्स आ रहे थे। बट आफ्टर सम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स मैंने मेरे वेपन सिस्टम बना लिया। एंड ये वेपन सिस्टम इनहेरिटेंस पे काम करता है। इनहेरिटेंस, हाँ बहुत बड़ा शब्द बोल दिया मैंने, कुछ लोगों का दिमाग ही फट गया होगा। देखो सुनने में फैंसी लग रहा होगा, बट ये कुछ नहीं है। ये बस एक पैरेंट क्लास है जिसमें अपन के सारे वेरिएबल स्टोर होते हैं, लाइक फायर रेट, मैगजीन साइज, रीलोड टाइम, मॉडल्स वगैरह वगैरह। एंड फिर हम यही पैरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, एंड ये सारे वेरिएबल्स को चेंज करके एक न्यू गन बना सकते हैं। ये रहा पैरेंट क्लास, एंड ये रहे इसके चाइल्ड क्लासेस। हाँ, मैं इस टेक्निक से इन्फिनिट तरह की वेपन बना सकता हूँ, बट भाई टाइम भी तो इन्फिनिट होना चाहिए ना। एंड अभी के लिए मैंने ये गन्स बनाए हैं जो अच्छे हैं, एंड इसीलिए मुझे इतने सारे एनिमेशन की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हर वेपन्स के लिए अलग एनिमेशन है। पिस्टल के लिए अलग, राइफल के लिए अलग, एंड मिली वेपन्स के लिए अलग। एंड मैंने इसमें लोकोमोशन में डाला है, जो प्लेयर के डायरेक्शन के हिसाब से उसके लेग के एनिमेशन को चेंज करेगा, जो सच में अच्छा लग रहा है। एंड अब हमारा वेपन सिस्टम रेडी है। एंड अब बारी है कॉकरोचेस का मॉडल बनाने की, और स्केच पैप पे तो मिलेंगे नहीं। एक सेकंड, ब्लेंडर के पास जाता हूँ। ब्लेंडर, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ गलत ही हो रहा है यहाँ पे। चलो प्रोटीन शेक रेडी है, आज तो कमर थोड़ी एक्सरसाइज होगी। लगता है ब्लेंडर कुछ अपने बिजी काम में है। अच्छा, मतलब काम में बिजी है। तो मतलब ये मॉडल भी हम ही बनाने होंगे। ये तो मैंने पप्लू का मॉडल बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड ये मॉडल भी वैसे ही बन गया जैसे मैंने ऑगी का मॉडल बनाया था। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट था, बट बेसिक्स वही थे। पन क्या किसको पता है पप्लू जपलू एंड टपलू का इंग्लिश नेम डीडी जोय एंड मार्की है? मुझे तो नहीं पता था, ये गेम बनाते वक्त पता चला। अगर तुम्हें पता था तो कमेंट करो यार। तो हमारा जपलू का मॉडल रेडी है, जो ऐसा लग रहा है। एंड अब मुझे पप्लू एंड टपलू के मॉडल बनाने थे, जो सेम वैसे ही बन गए, जो सच में अच्छे लग रहे यार। ओके, तो हमारे सारे मॉडल्स रेडी है जो ठीक ठाक लग रहे हैं। मैंने फिर उन्हें मिक्सा मुझसे बेसिक एनिमेशन दे दिए हैं, एंड मैंने इन सबको डिफरेंट टाइप के एनिमेशन दे दिए ताकि अटैक ज्यादा रिपीटेड ना लगे। मैंने फिर अनरियलिटी में कॉकरोचेस को AI एंड अटैक सिस्टम कोड कर दिया है, एंड जब ये तुम्हें डिटेक्ट करेगा तब तुम्हारी तरफ मूव होके तुम्हें अटैक करने लग जाएगा। ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। अबे टोबी ये नहीं करना। अच्छा, अब ठीक से काम कर रहा है। एंड तुम सब उन्हें मार भी सकते हो। मैंने कॉकरोचेस को रैगडॉल दे दिए हैं, जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। एंड अब बारी मेरे फेवरेट चीज की, जो है ब्लड। हाँ, ज़ॉम्बी का ब्लड। अभी रियल लाइफ कॉकरोचेस के ब्लड कलरलेस होते हैं, बट क्योंकि ये गेम है तो हम ब्लड को रेडी रखेंगे। एंड मैंने कुछ ज्यादा ही ब्लड डाल दिया है, जो कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब कॉकरोच भी रेडी है एंड ऑगी भी रेडी है। अब बारी है लेवल डिजाइन की, जो सच कहूँ तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बन गया, क्योंकि अब तुम्हें पता ही है कि ऑगी का वर्ल्ड कैसा है। हाँ, सब कुछ रिपीटेटिव है, तो मुझे बस घर को कॉपी एंड पेस्ट करना था, एंड फिर थोड़े से रोड एंड लाइट पोल लगाने के बाद लेवल रेडी है। एंड फिर मैंने थोड़ी और डिटेलिंग भी ऐड कर दी है, जैसे कि ये कचरा, ये कुछ ट्रीज एंड ये कुछ पाइप्स एंड ऑल दैट। एंड मैंने इसका थीम नाइट टाइम में रखा है, एंड एंड में थोड़े से फॉग ऐड करने के बाद लेवल पूरी तरह से कम्प्लीट है, विच इज लुकिंग गुड।
एंड हाँ, बॉब एंड ऑगी का हाउस का कलर डिफरेंट है एंड एंट्रेंस भी। ये ऑगी का एंट्रेंस है एंड ये बॉब का एंट्रेंस है। एंड इस गेम में वेपन्स को पाने के लिए तुम्हें मनी चाहिए होगा, जिससे तुम सब वेपन्स बाय कर सकते हो, जो तुम्हें कॉकरोच को मारने के बाद मिलेंगे। एंड अब तुम सब सोच रहे होगे कि वेपन्स किससे खरीदना है, तो मैंने यहाँ अपना बाबा सिर दिमाग लगा के जैक को वेपन सेलर का जॉब दे दिया। एंड मैंने जैक का मॉडल कुछ ऐसा बनाया है, कमेंट में बताओ यार कि कैसा है। मैं शायद और अच्छा बना सकता था पर क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो या कमेंट में बताओ तुम्हें सारे मॉडल्स कैसे लगे। तुम सब जब जैक के पास जाओगे तब ये UI पॉप अप होगा एंड फिर यहाँ तुम अपने वेपन्स बाय कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी होने चाहिए, जो कि तुम्हारे पास होंगे नहीं। एंड ये कुछ डांस भी करता है जब तुम इसको अप्रोच करोगे। एंड ये जैक पूरे मैप में रैंडमली कहीं भी रोम होता रहेगा। एंड मैंने इसी सेम तरह से बॉब भी बना दिया है, जो मेरे ख्याल से बॉब ही लग रहा है आई गेस। एंड ये भी पूरे मैप में रैंडमली रोम करता रहेगा। एंड अगर तुम इसके पास जाओगे तो तुम गए, तो बॉब से दूर ही रहना। एंड अगर तुम्हें बॉब को मारना है तो तुम्हें एक स्पेशल वेपन चाहिए होगा, क्योंकि बॉब नॉर्मल वेपन से नहीं मरता। एंड वो स्पेशल वेपन है, अब समझ ही जाओ, मच्छर मारने का चमटा, जिसकी प्राइस मैंने कुछ ज्यादा ही हाई रख दी है। तो गुड लक इसे बाय करने में। गेम इज रेडी एंड थोड़ा सा बेसिक UI के साथ मैंने गेम को बिल्ड कर दिया है, जिसे तुम सब खेल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी ऑगी एंड द कॉकरोचेस 3D गेम। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, अब कुछ पर्सनल बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, सोचा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएंगे, पर थैंक यू सबको जिन्होंने लास्ट वीडियो में इतने सारे अच्छे कमेंट्स किए एंड इतना सारा सपोर्ट दिया। हाँ, बहुत से लोगों ने गेम्स ऑफ वैभव एंड डैनी की कॉपी भी मुझे बोला, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। एंड हाँ, मैंने भी थोड़ी बहुत कॉपी कर ली थी गेम्स ऑफ वैभव एंड डैनी के एडिटिंग स्टाइल में, तो मैं भी थोड़ा बहुत हेट डिजर्व करता हूँ। बट थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने सब्सक्राइब किया एंड शाउट आउट टू बैड टून्स, जो मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर्स थे, थैंक्स मैन। 5K लोगों को ज्यादा नहीं लग रहे होंगे बट मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा है। और हाँ, मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना दिया है, तो ज्वाइन कर सकते हो, पर ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि अभी सिर्फ 5 ही मेंबर है उसमें, तो जाके ज्वाइन करो यार। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई वीडियो इतनी लेट क्यों आती है, तो भाई मेरा कॉलेज भी होता है तो मुझे उस पर भी ध्यान देना होता है। एंड मैं यूट्यूब पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे जितना मेरा फ्री टाइम मिलता है वो सब मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। एंड मेरा मोस्ट ऑफ टाइम मेरा कॉलेज के काम में जाता है, तो इसके लिए वीडियो इतनी लेट आती है। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ और ज्यादा फोकस करने की यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत लोग अब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो या यही रीजन है कि मैं यूट्यूब पे इतना ज्यादा नहीं ध्यान दे पाता एंड वीडियो इतनी ज्यादा लेट आती है। एंड या थैंक्स अगेन इतना सपोर्ट के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।